नहीं है कन्हैया जी मंच संभाला जाए, आइए कन्हैया जी। गुंडा देगा फोटो वायरल। सुरेश भाई कहाँ है? नहीं है कन्हैया जी मंच संभाला जाए, आइए कन्हैया जी। गुंडा देगा फोटो वायरल। लेकिन ये सरकार थी जो भी मजदूरों को सुविधा मिलती थी, पेंशन सबसे पहले खत्म किया गया, 10 घंटा 12 घंटा काम लिया जा रहा है, दूसरे काम करते हैं उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ के जो मजदूर हैं, दिल्ली की बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, यहाँ से पूरा चुन के दिल्ली की फैक्ट्री चलती है और एक मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और आज के ही दिन अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और मजदूरों से हार तोड़ मने काम लिया जाता था और मजदूरों ने कहा, नारा दिया, 8-8-8, 8 घंटा हम काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा हम सोएंगे, मनोरंजन करेंगे। इसी नारे को जब बुलंद किया गया तो वहाँ के पूंजीवादी शासकों ने, प्रबंधनों ने मिलकर गोलियों का 3-4 मई को बौछार कर दिया गया, जिसमें 6 मजदूर शहीद हुए, सैकड़ों मजदूर घायल हुए और उसी खून से सना हुआ ये लाल झंडा है जो दुनिया के मजदूर आंदोलन का प्रतीक बन गया और कम्युनिस्टों का चिन्ह बन गया। आज जो है और 44 श्रम कानून उसी आंदोलन के प्रभाव में दुनिया के शासकों को बनाना पड़ा, उसमें मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का अधिकार था, मजदूरी के राशि का अधिकार था। लेकिन पुनः एक बार आज देश में मोदी सरकार जो है 44 श्रम कानून जो है उसको समाप्त करके 4 श्रम कोड बिल जो लाया है, मौत का फरमान है और मजदूरों को पुनः एक बार कंपनी राज का गुलाम बनाने का ये साजिश मोदी सरकार कर रहा है। इसके खिलाफ आज 1 मई 2022 को बेगूसराय लोहिया नगर घुमटी पर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। भाकपा और एकजुट से हम मांग करते हैं 44 श्रमिक कानून जो समाप्त किया गया है पुनः बहाल किया जाए और 4 श्रम कोड जो बिल है इसको रद्द किया जाए। ये मजदूरों का मौत का फरमान है और आज आप देख रहे हैं जो मोदी सरकार लगातार गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर के सलम बस्ती पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इस बुलडोजर के खिलाफ हम मेहनत कश मजदूरों को एकजुट होकर सामना करने का आह्वान करते हैं। और आज हमारी पार्टी भाकपा माले पूरे देश में 1 मई से लेकर 31 मई तक एक भाजपा का जो सांप्रदायिक उन्माद है, सांप्रदायिक बंटवारा करने का जो अभियान है और नफरत और हिंसा फैलाने का जो अभियान है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी भाकपा माले रोजगार और अधिकार की गारंटी हो इसके लिए अभियान चलाएगी और हम भाजपाई बुलडोजर को रोकेंगे। भाकपा माले, दिवाकर कुमार, जिला सचिव, बेगूसराय। मजदूर दिवस मना रहे हैं आज और मजदूर के हित में आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं, आपका मांग क्या है? आज पत्रकार बंधु हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वह समाज के हाशिए के मोहल्ले में हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार इनकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ये मजदूर हैं, फुल्ली मजदूर ये लोग हैं। मोदी सरकार 2014 में बोला था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन नाम पर मोदी ने मजदूरों का वोट ले लिया। लेकिन मजदूरों की जो दुर्दशा है देश के अंदर आप उसको देख रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं, वो उनको रहने के लिए वासभूमि नहीं है, आवास नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, मतलब तमाम तरह से मजदूरों का शोषण मोदी के राज में हो रहा है। बिहार में भी सामाजिक न्याय के साथ विकास का जो नारा दिया गया, आज नीतीश कुमार की सरकार
पूर्ण रूप में मोदी के गिरफ्त में है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। आज मई दिवस है, हम मजदूर दिवस को आज के दिन तक ही सीमित रखना नहीं चाह रहे हैं। पूरे मई महीने में हमारा लगातार मजदूरों के पक्ष में आंदोलन चलता रहेगा और 31 मई को हमारा विशाल आंदोलन बेगूसराय के अंदर होगा। मजदूरों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार है, जो शोषण है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ यह कार्यक्रम कर रहे हैं मजदूरों के हित में। एक तरफ मोदी सरकार गरीब को अत्याचार कर रही है और दूसरी तरफ उसके हित के लिए काम भी कर रही है, उस पर आपका क्या? कहीं कोई उसके हित में काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कि वो ई श्रम कार्ड मोदी सरकार ने बनाया, पूरे देश के लोग उसमें 50-50 रुपया दे करके ई श्रम कार्ड बनाए और उसने कहा कि ई श्रम कार्ड से हम लाभ देंगे श्रमिकों को, लेकिन आज साल भर से यह कार्यक्रम अभियान चल रहा है मोदी सरकार का, किसी भी श्रमिक को कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है मोदी की सरकार में। मोदी सरकार मजदूरों को ठग रही है, बुर्वक बना रही है, उसके खिलाफ माले का आंदोलन चलेगा। क्या नाम है आपका? राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव भाकपा माले, बेगूसराय। राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है और आज के दिन हम लोगों की यह मांग होती है कि 8 घंटे तक जो मजदूरों से लगातार काम करवाया जा रहा है उनको भी आराम करने की ज़रूरत है। अभी जो वर्तमान जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार मजदूरों के खिलाफ लगातार काम कर रही है और मजदूरों के मानदेय के सवाल पर, मजदूरों के मजदूरी के सवाल पर और मजदूरों के काम के सवाल पर कोई आर्थिक मदद नहीं पहुँचाई जा रही है। यहाँ तक कि मजदूर कहाँ रहेंगे, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। न राज्य सरकार ने उसकी गारंटी की है, न ही केंद्रीय सरकार ने इसकी गारंटी की है। मजदूर दिवस पर भाकपा माले के बैनर तले यहाँ पर भारत बिल्कुल बेगूसराय के 20 शहर में जो बस्ती है, हमारी मुसहरों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, पासवान समुदाय की बस्ती है, हमारे समाज की बस्ती है, इन बस्ती को उजारने की लगातार मुहिम जारी रही थी रेल प्रशासन के द्वारा और राज्य प्रशासन के द्वारा। इसके बाद जो आंदोलन हुआ, यहाँ के जो कार्यकर्ता ने आंदोलन किया, यहाँ के पार्टी के साथियों ने जो आंदोलन किया, राजेश श्रीवास्तव हमारे नगर सचिव हैं, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में, दिवाकर जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसमें एक आश्वासन मिला है कि हमें जमीन मिलेगी और घर बनाने की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसी लिहाज से हम एक ओर थोड़ा सा आश्वासित भी हैं, लेकिन दूसरी ओर और भी कई तरह की समस्याएं हैं, उसको लेकर मजदूर दिवस में तमाम दुनिया के तमाम मजदूरों एक हो के नारे के साथ आज यहाँ पर इस गुमटी के पास, रेलवे गुमटी के पास जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम उसके लिए यहाँ आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह संघर्ष, यह लड़ाई हमारे जारी रहेगी और एक दिन हमारी जीत होगी। क्या नाम है? दीपक सिन्हा, राज्य सचिव जन संस्कृति मंच बेगूसराय। मजदूरों के लिए जो मजदूर जो काम करते हैं, जो हर फैक्ट्री में, खेत में, खलिहानों में, जो इस देश के या किसी भी देश के अर्थ को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, किसी भी राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज उन्हीं का दिन है, मजदूर दिवस, जो अमेरिका के शिकागो से शुरू हुआ था और आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है तब से मजदूरों पे लगातार हमला बढ़ गया। आप देखिएगा कि 4 श्रम कोड बिल जो भी सरकार, मोदी सरकार लेकर के आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम मजदूरों को मालिकों के ऊपर निर्भर रहना है, कि मालिक जितने घंटे काम करने बोलेंगे उतने घंटे लगातार काम करना पड़ेगा। जो मजदूर दिवस पर मिला था मजदूरों को, वो आज हमारे देश में मजदूरों का हक और अधिकार को छीनने की कोशिश चल रहा है और देख रहे हैं लगातार जो कि झोपड़ी में रहने वाले जो मजदूर हैं, चाहे दिल्ली हो या देश के अन्य कहीं इलाके, ये सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है। तो इस मजदूर दिवस के मौके पर हम मांग करते हैं कि मजदूरों के झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाए, बल्कि उनके रहने के लिए बेहतर व्यवस्था किया जाए। यही। क्या नाम है? अजय कुमार, आयशा जिलाध्यक्ष, बेगूसराय।